नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। अमरोहा जनपद के गजरौला में डीआईजी शलभ माथुर ने भारी पुलिस बल के साथ निकाला फ्लैग मार्च, दी अराजक तत्वों को चेतावनी। बता दें कि मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर अमरोहा जनपद के गजरौला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक अमरोहा को लेकर भारी पुलिस बल के साथ गजरौला कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की, जहां पर उन्होंने कहा कि मुरादाबाद मंडल के सबसे ज्यादा क्राइम रेट वाले स्थानों में लंबित विवेचना और जन शिकायतों का समय रहते निस्तारण, इसी को लेकर हम लोग यहां पर आए हैं। लंबित विवेचना को लेकर हम लोगों ने उचित मार्गदर्शन दिया है। इसके अलावा अधीनस्थों को बताया गया है कि किसी भी दशा में विवेचना का निस्तारण किया जाए। फरियादियों की फरियाद को सुना जाए तो जन शिकायतें आती हैं, उनका भी गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधी पर लगाम लगाने के लिए ज्यादा समय तक विवेचना अभी लंबित नहीं रहनी चाहिए, यह हमारा उद्देश्य है। जीबीएन 24 के लिए अमरोहा से मोहम्मद सालीम की रिपोर्ट। जो चौकीदार हैं उनसे भी आपने बैठक की है, क्या बात है जी? ये मेरे द्वारा जो मंडल के हम लोग के ऐसे थाने हैं जो कि जिनका कि या तो विवेचनाएँ ज़्यादा प्रचलित हैं या जन शिकायती प्रार्थना पत्र हो, उनकी समीक्षा की जा रही है ऐसे थानों की, खासतौर से जैसे गजरौला है अमरोहा में या चंदौसी संभल में, मजोला सिविल लाइन्स मुरादाबाद में, क्योंकि ये थाने की जो जनसंख्या है या साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसी कारण से कई बार जन शिकायत प्रार्थना पत्र भी ज़्यादा होते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी होती है। तो एज सीनियर ऑफिसर हम लोग का प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी जनता की शिकायतों का निस्तारण हो और विवेचनाओं का डिस्पोजल हो। इस संबंध में जो आवश्यक मार्गदर्शन देना है और कहाँ कहाँ पर विवेचना की दिशा और दशा निर्धारित करनी है, इस संबंध के अंदर आज डिटेल के अंदर सभी आईओ वार जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ में आज अमरोहा के गजरौला थाने में यहाँ पर आज उनका ओआर किया था और डी रूम किया था। इसके बाद चौकीदार जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं उनके साथ एक मीटिंग की थी, खासतौर से जैसा कि मुख्यालय शासन सर से निर्देश भी है कि मासिक रूप से सभी ग्राम प्रहरी के साथ मीटिंग की जाए, तो हम लोग का प्रयास ये है कि हर जगह थाने पर ये मीटिंग हो भी रही है, उनसे फीडबैक भी लिया गया था। और इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग का एरिया है यहाँ पे 80 रोमियो स्क्वाड्स की ब्रीफिंग की जाएगी और उसके बाद यहाँ पे इसे फुट पेट्रोलिंग का भी कार्रवाई की जाएगी। सर, 25 तारीख को स्नान है तिगरी में, तो सर इस संदर्भ के अंदर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के द्वारा विस्तार पूर्वक जो है एक योजना तैयार की गई है, जिसको मेरे द्वारा भी एक बार रिव्यू किया जाएगा, खासतौर से ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर, और जो यहाँ पे स्नान है श्रद्धालु जो आएंगे, संडे का भी दिन रहेगा, तो उसको लेकर यदि और हम लोग को किस तरह का कोऑर्डिनेशन करना है, सामंजस्य करना है, तैयारी करनी है, पूर्व के अंदर क्या क्या इश्यूज आए, उस सबकी स्थलीय निरीक्षण पुलिस अधीक्षक ने स्वयं करके इसके अंदर आवश्यक तैयारी।